इसको लेडीज बना के पेश करते हैं, आप लोग कैसा करने वाले? हमारे पास लेडीज के लिए लेडीज मिल गई, हमने कोशिश ही नहीं की, कोशिश ये की इरादा है अगर मौका नहीं सर, मौका क्या, जब लेडीज से लेडीज का काम चल रहा है, जेंट्स से जेंट्स कैसे लटकाए बदले तो कोशिश ये रखी की रियल कैरेक्टर, और ये कैरेक्टर किरदार जो है ना रियल लाइफ के ही है, चाचा जो बना, मौसी जो बनी। भाई चलन भाई ने आपने कुछ लेसन लिया था असली भाई से? नहीं नहीं, क्योंकि ये असली भाई जैसी है ही नहीं, और मुझे इस चीज का बहुत डर है कि जिस दिन ये शो शुरू होगा और जितनी भी हमारी हाउस वाइफ है वो मुझे शायद इतना पसंद ना करे, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि मेरी जैसी भाई उनके घर में हो, तो ये बहुत ही थोड़ी अजीबो गरीब भाई है, तो मुझे लेसन लेने की जरूरत नहीं, बल्कि एक्चुअली शी इज द हीरोइन ऑफ द शो, हमारा जो शो है उसकी हीरोइन है, तो जब भी एंट्री उसकी होती है ऐसा लगता है कि कोई हीरोइन चल के आ रही है, तो भाई तो है नहीं, नखरे बहुत है उसके, काम कुछ करती नहीं, काम इन दोनों से करवाती रहती है और पैसे लेके चली जाती है। एक कंबा का दोनों मुझे किराया नहीं देते 8 महीने से, उसके सैलरी टाइम पे देते तो ये तो है, इनको पेमेंट टाइम पे मिलती है। ये ऐसी भाई है जो जिस भी घर में जाएगी हस्बैंड लाइक भाई हो जाएगी। तो सेल्फी की बात कर रहे थे विकल्प जी, वो सेल्फी सबको हटा सकते हैं मैसेज दे के, बट आजकल कुछ मॉडर्न गर्ल्स हैं जो वो बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गई है सेल्फी के लिए। तो पहले हम होते थे लड़कियों से पूछते थे, रिश्ते होते थे ना, हाँ जी आपकी लड़की क्या बना लेती है, वो बोलती थी हम सब्जी बना लेती है जी, आलू की सब्जी बना लेती है, परांठे बना लेती है। आजकल बताते हैं हमारी लड़की 5 तरह के मुंह बना लेती है सेल्फी लेते हुए। तो ये चीजें चलती हैं। नो मैम, अभी तक ऐसा कुछ बनाया नहीं, क्योंकि हमारा शो ही अपने आप में इतना अच्छा कंटेंट हमको मिल गया है, क्योंकि हम पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, फिर हम फोटोज दिखाते हैं, फिर वीडियोस दिखाते हैं, फिर हमारे खुद के गैग्स होते हैं उसमें, कॉमेडी गैग्स, तो बहुत सारी चीजें इसमें ऑलरेडी है कि, और अभी तक तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, फिर हमारे डायरेक्शन टीम अगर कुछ आगे इन फ्यूचर अगर सोचेगा तो उसके बारे में बात हो सकती है। थैंक यू गाइस, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन, हम लोग अभी वन ऑन वन चैनल्स एंड आल्सो फ्रेंड वी वन ऑन वन। थैंक यू सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ में बड़े सर ये है ही धमाकेदार और कॉमेडी से भरपूर शो। अभी देखिए ना, पहले लोग करते थे नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हाय, आजकल नई बीमारी आ गई है व्हाट्सएप, सभी कुछ एक में। हाँ, यूज करते हैं आप? बिल्कुल, उसके बिना तो सुबह नहीं होती है, सुबह उठते से चाहे चाहे ना मिले चलेगा, लेकिन फेसबुक पे क्या हो रहा है वो देखना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। एक्चुअली ये शो उसी बारे में है कि आजकल हम इन सब चीज़ों के कितने आदी हो गए हैं,
फेसबुक व्हाट्सअप इन सब की एक्चुअली देखा जाए तो हमको ज़रूरत है नहीं, लेकिन इतने आदियों के आँख खुलते से ही हमको देखना है कि व्हाट्सअप पे क्या आया है, फेसबुक पे किसका अपडेट है, ट्विटर पे क्या चल रहा है, तो उसी चीज़ को हमने एक ह्यूमर के उसमें डालकर इस शो को प्रेजेंट किया है। और मेरे जैसे भोले लड़के तो बहुत ज़्यादा आदि हो गए हैं। अभी परसों एक लड़की ने स्टेटस डाला था रात को गुड नाइट, तो मैं कमेंट देना भूल गया, मैंने सुबह उठ के कमेंट किया गुड नाइट टू यू आल्सो। तो ये शो जो है जो आजकल क्योंकि मोबाइल में आ गया सब कुछ, अभी देखिए हम घड़ी बांधते थे आजकल हमारे हाँ। साथ मोबाइल के ऊपर ही, हम कहीं मिले किसी को ना मिले लेकिन फोन पे आजकल सब कुछ हो जाता है। व्हाट्सएप क्या आ गया है कि आपको सामने सामने, मैंने तो कितने कपल्स जो एक्चुअली रियल लाइफ में जो मेरे दोस्त है वो सामने सामने बात नहीं करते, वो उधर से इसको फोन करता है, ये उधर से इसको व्हाट्सएप पे चैट चल रही है। अभी सारी चीजें मिक्स करके उन्होंने मोबाइल में दे दी है। बंदे को पहले पैसे की टेंशन होती थी, पर्स चेक करता था, आजकल देखता है दो मिनट यार मोबाइल अंदर ही है ना। तो मोबाइल इस कदर हावी हो गया है, सोशल मीडिया इस कदर हावी हो गया है, ट्विटर फेसबुक व्हाट्सएप याहू पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी मेल्स, हॉट एंड कूल मेल्स जो सारी आदमी के ऊपर इतनी हावी हो गई हैं, उसकी लाइफ को डिस्चार्ज कर दिया उसने असल में। तो हम उन्हीं चीज़ों में से ह्यूमर निकाल कर उसकी लाइफ को दोबारा से रिचार्ज करेंगे, जिसका नाम है लाइफ का रिचार्ज, सोशल मीडिया का बुखार, लाइफ का रिचार्ज, ओनली ऑन एन टीवी मंडे टू फ्राइडे रात 11 बजे। माई सेल्फ इज मिंटो फ्रॉम पंजाब डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर टाउन कादियाँ। तो मेरा करेक्टर इसमें वो पूरा फिल्मी है, तो वो गोविंदा जैसे टपोरी टाइप है, बट वो सिर्फ दिखने में है, अंदर से बिल्कुल देसी है वो, उसको कुछ पता नहीं है सोशल मीडिया का या बाकी चीज़ों का, बट वो शो ऐसे करता है कि उसके ज़्यादा किसी को नहीं पता, उसने अपने हिसाब से डेवलप की हुई चीज़ें। जैसे लोग डेडिकेटेड बोलते हैं वो मम्मी केटेड बोलता है, तो वो बोलता है भाई व्हाट्सअप चलाना जानते हो, तो वो बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, लोग बड़े बड़े ट्रक चला लेते हैं, व्हाट्सअप भी चला लूँगा चाबी देना, तो वो शाना बनता है। सो उसका यही शानापन, वो जब वो बोलेपन में बोलेगा तो वो ह्यूमर निकलता है उसमें से, बहुत अच्छा निकलता है। और मेरा जो होस्ट है साथ में विकल्प, ही इज़ वेरी नाइस गाय, तो हमारी केमिस्ट्री हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। चाचा जी बहुत अच्छे हैं, मौसी मौसा, एक प्रियांशु है वो भी बहुत अच्छा है। सो सेलुलर भाई तो इसका क्या कहना है, ये तो है ही।